अरे हाँ यार, एक बात मेरी अकल में नहीं आई, मैं शक्ल से ही बेवकूफ लगूं या हूं ही बेवकूफ? अरे मियाँ छोड़ो इन बातों को, आज शाम तक मुझे अपना गधा उधार दे दो। क्यों भाई, क्या अपनी गधी का निकाह मेरे गधे से करा रहा है? एक बात सुन ले, दहेज में कुछ नहीं लूं मगर उसे घर जमाई नहीं रहने दूंगा। अरे निकाह भी कहना ना कराना, मुझे तो उस पे जोड़ तक कपड़े ले जाने। अरे हाँ यार, गधा तो मैं दे देता मगर वो तो कम मगत साला लोटा लेगा पानी का जंगल में पखाना होने के लिए गया। अरे मियाँ बेवकूफ बना रहे हो, अरे घर में जाके देख लो कहीं टांड वांड के छुपक के बैठा होगा। भाईजान गधा घर पर है नहीं, मैं मेरा विश्वास करो विश्वास। अरे मियाँ गधा तो अंदर बांध रखा, बोल भी रहा है और मुझे हटाई दे रहे हो, नहीं देना तो मना कर दो भाई। अबे ओ मियाँ, मैं उस आदमी को गधा नहीं देता जो गधे की आवाज पर ज्यादा विश्वास कर रहा और मेरी आवाज पर कम। निकल ले साले, कभी साले को गधा सा दे दूं। ठीक है जा रहा हूँ। जा निकल ले, नहीं साले की शिकल बिगाड़ दूंगा। चल यार गधा लेने के लिए, इन्हें दे दो गधा, गधे का पेशाब ले जा। अबे साले को गधा दे देता बेवकूफ साला। अरे अगर तुम उसे गधा दे देते तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता। कम बोल ना, ठीक है मैं कहती है। अरे मैं उसे साले को गधा दे देता, मेरी बात से ज्यादा विश्वास गधे की बात पर कर रहा था। अरे आराम जादे, तेरा कितना तो गधा नहीं था, तूने उस गधे को दिया क्यों नहीं उसे? क्या मैं गधा हूँ? मैं बेवकूफ हूँ और नहीं तो क्या? मैं मूर्ख हूँ क्या? सच्चो तुझे मेरी मूर्खता ही चमकती है? जी हाँ, मुझे तो हर जगह तुम्हारी मूर्खता ही चमकती है। ओले? अरे हराम जादे, मुझे बुखार हो रहा, मैं मर जाऊंगी, जाकर जल्दी दवाई लिया। मर जाएगी? अबे मेरी अम्मी मर जाएगी, मेरी अम्मी मर जाएगी। अच्छा अच्छा बताओ अम्मी कहाँ मिलेगी दवाई? देख दूर गांव में वो हकीम रहे और वहाँ तुझे दवाई मिलेगी। ठीक है जा चला जा, जा चला जा और जल्दी आइए, वहां सो मत जाइयो। सवेरे सवेरे कहाँ जा रहा है अपने रिश्तेदार की पीठ पर बैठ के? ऐसी तैसी करवाने जा रहा हूँ, बक्कल तार दूंगा सवेरे सवेरे, दिमाग खराब ना करे। नहीं बताता, अपनी अम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ। तो जब अम्मी की दवाई लेने जा रहा है, एक छोटा काम मेरा भी कर दे। क्या काम है बतलाओ? 10 किलो घी है मेरा, ये लेता जा। नहीं नहीं मैं अपने गधे को बोझ नहीं मार सकता। 10-10 रुपये दूंगा। ठीक है 10 रुपये दोगे तो रख दो मेरे सिर पर। सिर पर रखूं? हाँ ले ला। चल ठीक है चलो चल। यार यू लाला मुझे 10 रुपये दे, 10 रुपये के अंडे लाऊंगा, अंडे लाकर बच्चे ही कलवाऊंगा, बच्चे ही कलवा कर मुर्गी फार्म बनवाऊंगा, मुर्गी फार्म बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर बेगम आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बहुत बड़ा रईस आदमी हो जाऊंगा, बच्चे क्या करेंगे, अब्बू अब्बू मुझे 1 रुपये दो, 2 रुपये दो, मैं 100 रुपये दे करूँगा। क्या करेंगे, अब्बू अब्बू 100 रुपये दो। मरीज ऊपर होगा, कोई नीचे होएगा, कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, मैं क्या करूँगा? अरे ये 200 रुपये का नुकसान कर दिया मेरा, शेख सिल्ली क्या कर रहा है? तुझा 200 रुपये की पड़ी है, मेरा कुड़बे का नुकसान होगा, उसका दंड कौन भरेगा? कुड़बा मर गया? मेरा तो कुड़बा मर गया, मेरा 200 रुपये दाय कौन भरेगा? अच्छा अच्छा ले जा तो छोड़ ही, तो बहुत बेकार निकल ले, निकल ले आया गधे पर रख दे थी। हाँ तो बच्चों पहले हाजिरी बोलेंगे। राजू यस सर, दिनेश यस सर, सोहन यस सर, कलवा यस सर,
पिंकू। यस सर। शांति आज भी नहीं आई, बस क्या होगा इस लड़की का, बहुत छुट्टी करने लगी है। अबे चुप होकर बैठ के पढ़ लो, जानते नहीं मैंने अच्छे अच्छे गधों को आदमी बना दिया। यूं तो मास्टर बड़े काम का, गधों के इंसान बना रहा, क्यों ना अपने गधे का इंसान बनवा लूं, इससे बढ़िया कौन मिले। चल भाई चल, भाई चल, अबे चल भाषी की तुम चल। अरे अरे अरे, इसे कहाँ लेके आ रहे हो अंदर? अरे मुल्ला जी, कहाँ से गधे को ला रहे हो अंदर पाठशाला में? मास्टर जी मेरे गधे का आज भी बना दो। अरे वो बिना दिमाग के पशु, चल इसे अपने भाई को लेके बाहर चल, वरना गंदगी फैला देगा। हाँ हाँ मास्टर जी, इसीलिए तो बनवा रहा हूँ इसका आदमी, मास्टर जी बना दो ना। अरे भाई तुम्हारा गधा आदमी बनने के लायक नहीं है, इसे ले जाओ। मास्टर जी अब तो तुम्हें जरूर बनाना पड़ेगा, मास्टर जी तुम्हें कसम मेरे गधे को आदमी बना दो। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा, अच्छा चल ठीक है, ऐसे वहाँ पेड़ से बांध, चलो आदमी बनाऊंगा तुम्हारे गधे को। मास्टर जी बढ़िया सा आदमी बनाना, बिल्कुल सुंदर सा, और थोड़ा सा पढ़ा भी देना, जब मैं हकीम जी के वास्ते दवाई लेके लौटूंगा तो मैं इसे ले जाऊंगा, थोड़ा सा अगर पढ़ा दोगे नहीं तो मेरी तरह हो जाएगा। अच्छा तुम भी पढ़े लिखे हो? हाँ मास्टर जी, मेरे से तुम कुछ भी पूछ लो। अच्छा हाँ, अच्छा तो ये बताओ हाँ? राजा जनक का धनुष किसने तोड़ा था? खुदा की कसम मैंने नहीं तोड़ा, मुझे तो पता भी नहीं है, वाल्स मैंने नहीं तोड़ा बच्चों की कसम। अच्छा तो खड़ा हो, चलिए बता फिर किसने तोड़ा? मास्टर जी कल यामीन का लड़का लिए फिरा था, साला बड़ा शैतान है। अच्छा उसने तोड़ा होगा। अरे बड़ा बेवकूफ आदमी है, चलो बाद में आना। मास्टर बना देगा तेरा इंसान, साले जब ले जाऊंगा तुझे, साले बड़ा साले। अरे मुशाल सुनी ना के रखो ना मरगा, क्यों का देख के डाल रहे घरा भाईजान? मुझे हकीम जी के यहाँ जाना, उनका घर बतला दो। मन्ना के हकीम का खुर्ची मीट रखे निंगे को चले जा, सफेद रंग का मकान है हाँ। बिना छत की दुकान है, चुट्टी सी घाट में मिला पिड़ाया। मगर भाईजान मिल भी जाएंगे वो, अगर अपने किसी मरीज के अर्थ बनागा तो वही मिलेगा। ऐसा ही हकीम है वो। ठीक है भाईजान, आपकी बड़ी मेहरबानी, निकल ले। ठीक है जी, देखता हूँ। अबे मिया हकीम जी जिंदे हो या मर गए? मैंने कहा हकीम जी जिंदे हो या मर गए? अबे कौन आ गया खबीस सुबह सुबह मरने के लिए? यहाँ आदाब है मगा आधा वर्ष है। अबे खबीस मारेंगे क्या? अबे अरे हंसी आ गया भाई, अबे मैंने तेरे को आदाब बोला था। ओह और मैंने तुम्हें दाब दिया। अबे आदाब सलाम को कहते हैं। ठीक है सलाम कर लूंगा। कहिए क्या बात है? कल से जाड़े से बुखार चढ़ रहा है, कुछ करो ना। हम हकीम गोपीचंद डालचंद मूलचंद हकीम लटूरिया के पुत्र हैं। ए तुम इतने लगे पुत्र हो? हमें हकीमगिरी का 20 साल का तजुर्बा है, तुम्हें पूर्ण रूप से पीलिया हो चुका है। तुम्हारा एक फेफड़ा खराब हो चुका है और दूसरे में दीमक लग रही है। मगर हकीम जी बुखार तो मेरी अम्मी को है। अबे खबीस तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो तेरे को अभी नीले थोते में 20 मिला के पिला देता। आप हकीम हो या हमराज के फूफा? अच्छा अच्छा ये लो 3 पुड़िया, सुबह दोपहर शाम दूध के साथ खिला देना, ईश्वर की कृपा से पुड़िया लेते ही खत्म। मेरी अम्मी? अम्मी नहीं बीमारी। मगर हकीम जी किसके दूध के साथ? अबे मियाँ घर में कोई भी पशु हो उसी के दूध से पिला देना। मगर हकीम जी मेरे घर में तो इकलौता गधा है और वो भी दूध नहीं देता। एक बात बतलाओ, नीम हकीम हो या कोई और? नहीं नहीं मैं पीपल हकीम हूँ,
नीम हकीम तो हमारे अब्बा हुआ करते थे। ठीक है, और कोई परहेज? अब परहेज की सुन लो मियाँ, 3 दिन तक खिचड़ी खिलानी है वरना तुम्हारी अम्मी मर जाएगी। ठीक है, अम्मी को खिचड़ी खिलाऊंगा, चल रहा हूँ, तुम लोटो टूटी हुई खाट पे। ठीक है मियाँ, ठीक है मियाँ। अबे खबीस कहाँ से आ जाते हैं। खिचड़ी 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 खाचड़ी 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 रे। सुनिए मुल्ला जी, खाचड़ी मुल्ला जी, रे सुनिए, हम चूतिया समझ रखे थे यहाँ, हम तो ये बीज बकरे नहीं आए, तो ये चिड़िया खाने लगी तो खेरा खाचड़ी खाचड़ी क्या खाचड़ी। मेरी गलती कुछ नहीं, मैं तो दवाई रटता जा रहा हूँ। और किसी गलती? मैं तो दवाई रट रहा हूँ। नहीं किसी गलती, हमें बेकुमार ना कहते हैं, हमें बेकुमार ना कहते हैं, हमें बेकुमार ना कहते हैं, खाचड़ी यार जी, ताज तो कोई चिड़िया नहीं फंस रही। वही मैं देख रहा हूँ। रुक जा रुक जा, सामने उड़ गई भाई। ला तू एक उड़ दे, तेरे पे होता पहना कुछ, हट जा, मुझे देखने दे। उड़चिड़ी 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 उड़चिड़ी। ओ मुल्ला जी, ओ मुल्ला जी, बुलवाइए तुझे, हम यहाँ बैठे दिखना रहे तो उड़चिड़ी उड़चिड़ी कर रहा। हम यहाँ ताना मार रहे हैं, तू उड़चिड़ी उड़चिड़ी। अरे मेरे को क्या मतलब है, मैं तो तुम्हें क्यों नहीं मतलब, हम दिखने रहा तुझे बैठते हुए रखा है दिखना रहा, 1-3 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे। फिर मेरे पे क्या, और तुम वहाँ से कुएं को आ रहे हो, चिड़ी उड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। मैं तो दवाई रटता जा रहा हूँ पगलो। अरे दवाई का नाम ले रहा तू, अब यहाँ दे दे यार, लुटा ले नीचे, लुटा मार 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 और सुन, नू कहता जाइए एक की जगह दो फंसे, क्या कहेगा? एक की जगह दो फंसे, नू कहता चला जाइए शुद्धा बिल्कुल, और आइंदा यहाँ आने जाइए, निकल ले फैस साइड देसी अब। रे देख क्या, चल सार दौड़ चला जा, सारे मजा ही खराब कर दिया, 1 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, चिड़िया ही ना फंस रही यहाँ तो कोई नहीं रहा। बोलना क्या, ऐसा नहीं हो जाए, ठीक है भाई जाना, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा दिन रोज आइयो, ऐसा दिन रोज आइयो। राम जाते कुत्ते कमीने खबीस की औलाद, तुझे पता नहीं यार लाश पड़ी है और कहता है ऐसा दिन रोज आइयो भाई। मुझे क्या पता इसे लाश क्या है, दीपक। यस सर। अच्छा तो ये बताओ, दुनिया गोल होती है चकोर? चकोर सर। अरे बेवकूफ, चकोर नहीं गोल होती है। नहीं सर, गोल होती तो रिपटके ना गिर जाते। अरे क्या बेवकूफ। मास्टर जी वो गधे वाला आ गया, आपने तो उसका गधा बेच दिया, अब आप उसको क्या दोगे? अबे चुप हो जा। मास्टर जी मैं आ गया हूँ। हाँ, अरे चेहरे पे 12 किस्तें बजवा के आया। मेरी शिकल की छोड़ो मास्टर जी, मुझे बतलाओ मेरा गधा कहाँ है, मुझे लगा तुमने उसको आदमी बना के घूमने के लिए भेज दिया। हाँ भाई, हमने तेरे गधे को आदमी बना दिया, उसे खूब पढ़ा लिखा है, खूब पढ़ा लिखा उसको, मगर कहाँ है मुझे दिखाओ भाई, वो दिल्ली चला गया।
और अब दिल्ली पुलिस में दरोगा है। ए, मास्टर जी, उस बेवकूफ को इतना पढ़ा दिया? ठीक है मास्टर जी, वो साला गड़बड़ कर भी रहा था कई दिन से, वो भागने की सोच रहा था। अब जाओ उससे दिल्ली मिलना। ठीक है। हाँ तू बता। आई अम्मी, आई अम्मी किधर गई अम्मी? हेल्ला, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? अम्मी, अम्मी देखिए तो इनकी शक्ल को क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ? तुझे मैंने दवाई लेने के लिए भेजा या फिर लात पहुंच गया? और ये तेरे मुंह को क्या हुआ? अम्मी वो हमारा गधा था नहीं, वो मेरे से कबड्डी खेल रहा था, वो नजारे लो मजाक मजाक में मेरे थोड़ा बिगाड़ दिया। मैं तुम्हारा मलम लगा दूं गधे के साथ कबड्डी? हमने तो पहली बार सुना है। अरे बेवकूफ, ये तो बताओ गधा है कहाँ? अम्मी गधा तो आदमी बन के पढ़ लिख के ज्ञानी होगा, साला दरोगा बन गया, गधापुरी में दरोगा बन गया, वो मौज ले रहा मौज दिल्ली में। अरे हरामजादे, तेरा किसी ने बेवकूफ बना दिया, वो गधा ही तो हमारा सारा था, दो वक्त की रोटी देता था वो हमें, और उसे ही तो छोड़ आया। मगर अम्मी मैं तो तीन टर्म खाता था। बकवास मत कर, जब तक तू उस गधे को घर के अंदर वापसी नहीं लाएगा मैं तेरी सिकल से देखूं। मगर अम्मी मुझे तो देखनी है, तो चुप कर। तू गधा लेके आ रहा या मैं डंडा लेके आऊं? मगर अम्मी जब मैंने दिल्ली का रास्ता नहीं देखा तो मैं जाऊं कहां? अम्मी इन्होंने तो दिल्ली देखी नहीं, इन्हें आप रास्ता बता दो और ध्यान से सुन लो, ठीक है? मेरी बात सुन। बतला दे। बिल्कुल नाक की सूझ में सीधा चला जियो। ठीक है। ठीक है। और वहाँ तुझे जमुना मिलेगी। नदी? हाँ नदी। और वहाँ नाव खड़ी मिलेगी, नाव में बैठ के हाँ। और उस नदी पार कर लिए। ठीक है। ठीक है। और वहाँ तुझे स्टेशन दिखाई देगा। ठीक है। और उस रेल रेल खड़ी होगी और रेल में बैठ के हाँ। और दिल्ली पहुँच जाइयो। मगर अम्मी मैंने तो रेल देखी भी नहीं, कैसी हो? उसके चोंच और पंख भी हो क्या? अच्छा सुन आ? सामने से तुझे काला देव नजर आएगा। ठीक है। ठीक है। और उसके मुंह में को और नाक में को धुआं निकलता होएगा। ठीक है। तू ये समझ ली यही रेल है। ठीक है। और भाग कर पीछे चढ़ जियो। ठीक है। वही तुझे दिल्ली पहुंचा देगी। ठीक है अम्मी, जा रहा हूँ मैं। मगर अम्मी ये दवाई तो ले, सटकती रही, कभी मर जा। भाई साहब नौ वाले नब्बे। भाई मुल्ला जी नब्बे नहीं कब्बे बताता। भाई साहब मेरे को तो ऐसे पता, मुझे बैठा लो, मैं दिल्ली तक जाना। आ जाओ रेडी है, बैठो। रोको रोको, देर बैठ जाना दियो। बैठो 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 बैठो, हां आराम से बैठे तेरे मुल्ला जी। हां भाई साहब मगर मुझे पहले पैसे बतला दो। अरे मुल्ला जी एक रुपया ऊपर एक रुपया नीचे करके दे देना। भाई साहब बैठो। नहीं नहीं भाई साहब मैं हिसाब किताब में बहुत पक्का हूँ, पहले बतला दो। अरे भाई साहब आप हिसाब किताब में कैसे पक्के हो खान साहब? ऐसे पक्का हूँ, परसों यामीन में कुत्ते ने मेरा काट लिया था। अच्छा जी। और मैंने भी साले पे कमी नहीं छोड़ी, आज ऐसा दाव लगा साले का काट के आया हूँ।
मुझे लो बतला जब मैं झांक रहा था तो मेरे को धक्का किसने दिया था? मुल्ला जी ये तो गलत बात है, हमने थोड़ी ना धक्का दिया। बताते कर लिए जश्न वाला गलत बात है तुम्हारी भाई। अगर जब मैं मर जाता मेरी तो अम्मी मर जाती तड़प तड़प के, और मेरी सज्जो वो तो बिल्कुल मर जाती। ईमान से मेरा तो लाश हो गया। कोई बात नहीं, सज्जो को तो हम रख लेते। भाई साहब मुझे ही तार दो। मुल्ला जी तारे बस उतर ली किनारे पे, आ जाओ। मुझे बिल्कुल ले जाना, तार दो मुल्ला जी किनारे, बता दो कर दो किनारे। आ जाओ मुल्ला जी, आओ आओ मुल्ला जी। या अल्लाह, भाई साहब पैसे निकाल लो सब, चार चार रुपए दो, एक रुपए मुझे वापसी दो। लो भाई साहब, लाओ जी, लो जी, लो लो मम्मी दे भाई साहब, लाओ भाई, खुले ही हैं, ठीक है नहीं? लाओ लो जी, चार रुपए लो भाई, एक रुपया मुझे वापस लो भाई साहब, लाओ भाई, छह रुपए दो बस, लाओ मुल्ला जी, चार रुपए निकाल लो आप। इसीलिए तो मैं बाद में देऊंगा। ये लो भाई साहब, ये क्या दे रहे, भिखारी हो गया मैं? ये दो रुपए दे रहे आप भाई साहब, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैंने पहले कहा था तुमसे, पहले पैसे बतला दो। तो मैंने बताया था मगर एक रुपया ऊपर नीचे करके दे देना। तो लो, एक रुपया ऊपर है और एक नीचे है, रखो। ठीक है, खोपड़ी खराब हो रही है। अच्छा जी, चल ये तो मरने से बच गया मैं। क्या है, कहाँ घुसा जा रहा है? भाई जान मुझे एक टिकट चाहिए दिल्ली का। तुझे मैं टिकट वाला जरा आ रहा हूँ यहाँ पे। और भाई जान मैं तो पूछताछ वाला हूँ। पूछताछ वाले? हाँ। ये पूछताछ के अंदर क्या हो भाई जान? यहाँ पर बातें पूछी जाती हैं, तुम भी पूछ लो जो पूछना है तुम्हें। ठीक है भाई जान, मगर मुझे ये बतलाओ मेरा गधा कहाँ मिलेगा? अबे गधे, गधे के बारे में पूछ रहा, कुछ और पूछ। अच्छा ठीक है भाई जान, मुझे ये बतलाओ कि मेरे कितने बच्चे होने वाले? ओ भाई हमारे बाप, कुछ और पूछना है तो पूछ ले, ये तो रपट ले यहाँ से। ठीक है भाई जान, नाराज मत हो, मुझे ये बतला दो कुत्ता टांग ठाक क्यों मुत्ता है? अबे ओए, ये रेलवे पूछताछ का केंद्र है, तेरी बकवास सुनने की यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ रेलवे के बारे में पूछा जाता है? भाई जान रेल हो है कैसी? अबे दयाती खुरपे, रेल एक लंबी सी गाड़ी होए, उस पे एक इंजन होए और 10-20 चलते फिरते घर होए। ये तो भाई जान तूने ठीक बताया, अब मुझे ये बतला दो दिल्ली की रेल कब आएगी? अबे दिल्ली वाली रेल तो निकल गई, एक घंटा हो गया। चली गई? मगर भाई जान मुझे तो बहुत जल्दी जाना था। चलो मान लेता हूँ, मगर मुझे ये बतला दो वो इंजन विंजन भी चले गए थे, ये एक आधा रह गया। अबे उल्लू, बिना इंजन के रेल कैसे चली जाएगी? तू बावला तो ना है? देखो किसी बच्चे को भेज कर दिखवा लो, एक आधा मकान वकान रह गया होगा तो मैं उसमें बैठ कर दिल्ली चला जाऊँगा। अबे तेरे मुँह पे घुट मार दूंगा मैं गधे की, तुम मकान भी तो इंजन के साथ ही जामे। भाई जान सब एक साथ चले गए, क्या सबकी एक जगह लंडी सी जुड़ी रहे? अबे तूने अब की बार कुछ और पूछा ना तो तुझे बंद करवा दूंगा पुलिस में। तुम कह रही हो तो ठीक है, मगर फिर भी किसी बालक को भेज के पता करवा लो, रेल का कोई डिब्बा वो मकान रह गया हो तो उसमें बैठ कर चला जाऊंगा। हाय मैं तो पागल हो जाऊंगा, तू कौन क्यों फूक रहा मुझे, क्यों कौन से जन्म का बैर काट रहा मेरे से? मगर भाई साहब लुकाइयों की तरह क्यों बिलक रही हो, ना पूछने का कुछ भी? तेरा लाख लाख शुक्र मौला, बच गया मैं तो। भाई जान फिर भी एक बार देख लो, कब इंजन पिंजन पीछे पड़ा हो गई। हाय हाय, पता नहीं क्यों करी मैंने नौकरी, ये लगता है ये पागल करके छोड़ेगा, मैं तो आज ही नौकरी छोड़ूंगा। लगता है ये आदमी पागल हो गया, अपना सिर बजा रहा, कुर्ते पे फाड़ रहा,
निकल ले शेख, अली तेरा भी नंबर आने वाला। भैया एक टिकट मुझे दे दे। भैया मैं टिकट वाला नजर आ रहा। क्यों, क्या बात होगी? टिकट तो वहाँ मिलेंगे स्टेशन में। और तू क्या स्टेशन करा रहा है? मैं मूंगफली बेच रहा। ठीक है, बेच मूंगफली, बस टिकट ले लो। अरे भाई यार यहाँ क्या हो रहा है? टिकट मिल रही है। अरे भाई टिकट लेना तो। अरे कैसे, लाइन से आओ ना। दिल्ली जाने के लिए मिल रही है जी। अरे तो लेना तो। अरे लाइन से आओ, मुझे ऐसे नहीं मिलेगा। नहीं लाइन से चश्मे उतार दूंगा। अरे मैं पुलिस को बुलाऊं? अगर ऐसे करो तो पुलिस को बुला। लाइन से आओ, लाइन से। अरे लाइन से आओ भैया। अरे लाइन से आओ, अरे लाइन से आओ। ओहो, अम्मी ने मुझे सही बतलाया था, एक काला सा देव आएगा और मुंह में को और नाक में को धुआं निकलता आएगा, और समझ लिए वही रेल है बेटे। ए, समझ लूं, यही रेल खड़ी है। साली पे चढ़ जाऊंगा, टिकट लिया को फिर ही थोड़ी चढ़ूंगा, साली भी इकल नहीं दूंगा। कौन है वो? बार रेल जी, टिकट लिया फिर ही नहीं बैठा, पहले निकल गई साली, आपका नहीं निकलने दूंगा। अरे मुल्ला जी, हाँ? मैं रेल नहीं और? मैं तो टीटी हूँ। बहका मेरे को बना लिया। अरे रेल चल रहा है दिल्ली तक जा रहा है। आयु रेल ना टीटी आयु तो मुल्ला जी क्या बात है, कैसे घबरा रहे हो? भाईजान मुझे दिल्ली जाना था, मगर इधर से तूफान सा चला आ रहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा। अरे मुल्ला जी यही रेल है, अगर दिल्ली जाना तो इसी में बैठ लो। इसी में बैठ लो, यही रेल है। मुझे तो दिल्ली जाना भाईजान, आप भी बड़ी चले जाओ, बस निकल रहे हो। मिठाई मिल रही है, मिठाई नहीं मिल रही है, गलाओ मिठाई। भाई जान मैं आप बेवकूफ बना रहे हो, ये ना रखी मिठाई। अरे मिठाई ना है, ये तो साबुन है यार। अरे भाई जान मैं आप बेवकूफ मान रहे हो, ये पागल मान रहे हो। अरे यार तू ले ले, एक रुपए की ला। एक रुपए लो, मैं को फ्री मांग रहा हूँ, बेकार ही हूँ। अरे जा यार तू, चल दे। यार कोई जगह ही नहीं मिल रही, इस मिठाई को कहाँ बैठ के खाऊं? इस मैदान से बैठ के खाता हूँ।
मुल्ला जी सावन क्यों खा रहे हो? क्यों तो कहा इस तरह करा रहे आपने? तेरे बाप का कुछ खा रहा हूँ। ये मिठाई नहीं है, साबुन है। निकल ले, मुझे बेवकूफ बता रहा। अरे अपना एक रुपया खा रहा हूँ, निकल। कैसे कैसे आदमी आ जाते हैं दिल्ली में। जा चला जा, अरे साले का लंगूर बना दूंगा अभी। अरे भाईजान, ये क्या भून रहे हो? ये पेटी है। पेटी? जी हाँ। ये क्या हो भाईजान? ये चटनी के साथ मिला के खाई जाती है भाईजान। ठीक है भाईजान, खाई जाती होगी, मगर ये क्या है तिकोने तिकोने से? भाईजान ये समोसे हैं। समोसे? हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े समोसे हो, ये साले कैसे समोसे? अबे वो बेर की गुठली, चल मत्ता खराब मत कर, निकल यहाँ से। अबे मैं बेवकूफ मार रहा हूँ साले? और क्या? दिमाग खा रहे तेरा? और क्या बेवकूफ? साले पतला लग रहा, ठेला पलट दे रहा साले। क्या कह रहा है तू? हाँ तेरा दिमाग साले। अबे दिल्ली में घूम लिया मगर मेरा कथा नहीं मिला। देखता हूँ। अबे ये टोपी वाला भाई साहब बता सकता? पूछता हूँ। अबे भाई साहब कौन? अरे बदतमीज मेंटल, मैं तुझे क्या भाई साहब दिखाई दे रही हूँ? मैं मैडम हूँ, मैडम। आप समझा, दिल्ली में लोग जोड़ों को मैडम कहते हैं। एक तो वो दुर्गा गधे का बच्चा मुझे परेशान करता रहता है, और एक दिल्ली में पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए ऐसे लोग। अरे मैडम, वो गधा ही तो ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे मेरे गधे से मिला दो ना, मुझे मेरे गधे से मिला दो। चलता हूँ उसके पीछे, चलता हूँ। कभी मेरा गधा मुझे पहचाना ना, साले को गधे के बच्चे को घास ले लूँ, थोड़ी सी घास से पहचान लेगा। और ठीक है, गधा देखते भी चल लेगा, राजी हो जाएगा। हाँ भाई, किस जुर्म में ले गए इनको? सर चोरी करते हुए पकड़े गए। हरिराम, इनको मुर्गा बना दो साले को। इतना मारो, इनको मारो, इनको मुर्गा बना दो। क्या कर रहे थे ये लोग? सर राजना को लूट रहे थे सर। हराम जादो, बिगैर सामान के लूटते हो लोगों को? बैंचोदो के पास तो मंचे भी नहीं है माधर चोर। वो जो परसों चोर पकड़े ना, उनके तमंचे इनके ऊपर लगा के बंद कर दो इन माधर चोरों को। अरे कहाँ पीछे पीछे घुसा आ रहा है, हैं? यहाँ दफ्तर गंदा करेगा क्या? चल यहाँ से भाग। हाँ मैडम, वो रामवती वाली फाइल का क्या हुआ? आप क्यों नहीं ले रहे उसको? ले 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 ले। अबे मुन्ना जी के बच्चे, क्या पूछ पूछ लगा रखे तूने? चल यहाँ से निकल यहाँ से। अच्छा अच्छा, भूल गया बेटे, गधे से आदमी बनते सब कुछ भूल गया। मैं तेरा शेख सिद्धि हूँ। अबे हराम जाते, घास खा घास खा ले, याद आ जाएगा सब, याद कर, याद कर। ए कमीने, याद कर। अबे तेरे साले, तेरे को मैं बनाऊंगा हराम कुत्ते। कमीने निकल यहाँ से। हराम जाते, तेरे को मैं गधा नजर आया हूँ। लेकिन लात उसी स्पीड से मार रहा। हां सर, हरिराम। हां सर।
इस हरामजादे के कपड़े उतार दो और इसको समाज सुधारक से इतना बजाओ कि इसके कल ठीक हो जाए। ठीक सर, चमड़े वाले से या लकड़ी वाले से? अरे ऐसे से बजाओ ना जो आवाज कम करे और साले को चोट ज्यादा लगे। ठीक है सर। देखूंगा तुझे फूफी। I'm not afraid.
सिंह।